वेलकम फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं न्यू पाकिस्तानी आने वाली मूवी कुल्फी के बारे में। इस वीडियो में हम इस मूवी के बारे में बात करेंगे कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या है, इस मूवी का फर्स्ट लुक टीजर ट्रेलर कब देखने को मिलेगा और ये मूवी हमें कब देखने को मिलेगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की। तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है सलीम दाद ने, जो उनकी आने वाली एक और मूवी भी है जिसका नाम है आर पार। नेक्स्ट मूवी यही है कुल्फी, मतलब उनकी डायरेक्ट करदा दो मूवी हैं। इसके अलावा अगर प्रोड्यूसर की बात करें तो इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं सलीम कादरी, उनकी भी यही मतलब आर पार और कुल्फी मूवी है। आर पार की बात करें तो वो एक मतलब छोटे बजट की मूवी है। अगर कुल्फी की बात करें तो कुल्फी बहुत बड़े बजट की मूवी है। इसीलिए अगर इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में बात करें तो ये मूवी रिलीज़ होगी आर पार मूवी की रिलीज़ के बाद। आर पार मूवी की रिलीज डेट अभी कन्फर्म नहीं हुई, लेकिन प्रमोशन स्टार्ट हो चुकी है उस मूवी की। उसका जो है ना फर्स्ट लुक टीजर जो है ना लॉन्च हो चुका है। ट्रेलर भी बहुत जल्द लॉन्च किया जाएगा। अगर कुल्फी मूवी की रिलीज डेट के बारे में बात करें तो ये मूवी रिलीज़ हो सकती है अक्टूबर या दिसंबर में। अगर रिलीज़ ना हुई तो ये मूवी रिलीज़ होगी कन्फर्म 2030 में। तो अभी मतलब डायरेक्टर ने कोई प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने कोई मतलब न्यूज़ नहीं दी। अगर इस मूवी के स्टोरी लाइन इंट्रोडक्शन की बात करें तो इस मूवी की स्टोरी होने वाली है बहुत ज़बरदस्त एक्शन और थ्रिलर टाइप होने वाली है। क्योंकि अभी कैद आज़म जिंदाबाद, जिस तरह कैद आज़म जिंदाबाद में फ़ाद मुस्तफ़ा ने जो है ना पुलिस का रोल किया है, उसी तरह कुल्फी मूवी में भी ममूर राना आपको एज ए हीरो नज़र आने वाले हैं। अगर इसमें और कास्ट के बारे में बात करें तो इस मूवी की कास्ट में आपको देखने को मिलेंगे ममूर राना, वली अहमद खान, साथ ही आपको सरोज सब्जवारी, जवेद शेख और भी बहुत से एक्टर, सईद इम्तियाज़, मतलब बहुत सारे एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे। अगर इस मूवी की शूटिंग के बारे में बात करें तो इस मूवी की शूटिंग हुई है कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में, मतलब तीन बड़े शहरों में इस मूवी की जो है शूटिंग हुई है। मूवी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, कॉमेडी भी होने वाली है, एक्शन भी होने वाली है, थ्रिलर भी होने वाली है। और साथ ही अगर इस मूवी के मेन विलन की बात करें तो इस मूवी के मेन विलन है शुमैल खान, जो कि आपको आर पार मूवी में भी नज़र आएंगे। तो इस मूवी के मेन विलन मतलब शुमैल खान ही हैं, और साथ ही आपको जो है ना शुमैल खान के भाई सैफ अली खान भी इस मूवी में शायद नज़र आ सकते हैं। और इस मूवी के डायरेक्टर जो है ना सलीम दाद, वो भी आपको इस मूवी में स्पेशल अपेयरमेंस में नज़र आएंगे। अभी तक इस मूवी का कोई फर्स्ट लुक टीजर ट्रेलर मतलब कुछ भी लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन इस मूवी के जो है ना एक्शन सीन शूट हुए हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं कसम से। इस मूवी के एक्शन सीन बिल्कुल जो है ना कैद आज़म जिंदाबाद मूवी है, मतलब उससे भी बढ़कर शूट हुए हैं, मतलब फुल ओपन जो है ना एक्शन सीन शूट हुए हैं। तो ये मूवी हमें अगर इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में बात करें तो ये मूवी रिलीज़ होगी आर पार मूवी के बाद। आर पार मूवी सितंबर में रिलीज़ हो सकती है, अक्टूबर में भी। अभी उसकी कोई कन्फर्म रिलीज डेट नहीं हुई, लेकिन प्रमोशन उस मूवी की स्टार्ट हो चुकी है। और अगर इस मूवी के बजट की बात करें तो इस मूवी का बजट हो सकता है 10 से 25 करोड़ तक, यानी कि ये भी मोस्ट अवेटेड मूवी में से भी है और जो है ना बड़े बजट की मूवी में से भी है। और इस मूवी को डायरेक्ट किया है सलीम दाद ने, जो ऑलरेडी मतलब उनकी आर पार मूवी भी आ रही है।